नमस्कार साथियों, सीजी जॉब एजुकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, भारत के भूगोल का अध्ययन कर रहे हैं, अर्थव्यवस्था से संबंधित वीडियो मैं एक एक करके आप सभी के लिए ला रहा हूं। जितनी भी वीडियो हमारी आ रही है, प्रयोगशाला परिचारक के लिए अति महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर मैं वीडियो बना रहा हूँ और बिल्कुल निःशुल्क शिक्षा आपको मिल रही है हमारे चैनल के माध्यम से। आज हम इस वीडियो में जो कर है, भारत सरकार द्वारा जो कर होता है, उस पर बात करेंगे। साथ ही साथ 15वें वित्त आयोग पर भी इस वीडियो में चर्चा करेंगे। जो साथी नए हैं चैनल से जुड़े रहें, तो आइए शुरू करते हैं। 15वें वित्त आयोग, 15वें वित्त आयोग के गठन की जो घोषणा है, भारत सरकार ने राष्ट्रपति स्वीकृति मिलने के बाद की थी। अर्थात 27 नवंबर 2017 को जब भारत के राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति मिली, उसके बाद ही 15वें वित्त आयोग की घोषणा की गई। और वर्तमान में इनके जो अध्यक्ष थे श्री एन के सिंह जी, देखिए अभी वर्तमान में अपडेट हो चुका है तो एक बार और आप इसको देख लेंगे, ठीक है। लेकिन श्री एन के सिंह अभी इसके वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं। वित्त आयोग ने विभाजन योग्य राजस्व में वित्त वर्ष 2021 से 26 तक राज्यों के लिए 41% की सिफारिश की है। अर्थात जो है वित्त आयोग ने, ठीक है, राजस्व के मामले की मैं बात करूं तो 41% राजस्व की जो सिफारिश है 15वें वित्त आयोग के अंदर किया गया है। क्लियर है भाई, ज़्यादा कुछ नहीं है। वित्त आयोग 15वें वित्त आयोग चल रहा है, जो कि 27 नवंबर 2017 को स्वीकृति मिलने के बाद 15वें वित्त आयोग शुरू हुआ, ठीक है। बात कर लूँ मैं यहाँ पर कर प्रणाली की, टैक्स सिस्टम की, तो कर जो है भारत में विभिन्न उत्पादों पर कर लिया जाता है, आप सभी जान रहे हैं, है ना भाई। तो ये जो कर हैं, कर को दो तरीके से हम समझते हैं, एक तो होता है प्रत्यक्ष और दूसरा होता है अप्रत्यक्ष। तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष वर्गीकरण के साथ साथ करों को विशिष्ट करके उनमें और मूल्यांकन अनुसार, ठीक है, मूल्य अनुसार जो है ये जो कर है उसको वर्गीकृत किया गया है। अब मूल्य अनुसार कैसे, तो अनुपातिक, प्रतिगामी, अधोगामी, प्रगतिशील कर भी इसमें विभाजित किया गया है, ठीक है। मूल्यानुसार कर वह कर होता है जो वस्तु के मूल्य पर लगाया जाता है। आपने देखा है किसी भी वस्तु के मूल्य पर जो टैक्स लगाया जाता है, कीमत पर जो टैक्स लगाया जाता है, उसी टैक्स को मूल्यानुसार टैक्स कहा जाता है, ठीक है। विशिष्ट कर क्या है, तो विशिष्ट कर उन करों को कहा जाता है जो वस्तु की इकाई एवं परिमाण पर, देखो कोई भी वस्तु है उसकी यूनिट या उसके परिमाण पर जो कर लगाया जाता है, उनके वजन पर खाना चाहिए, उनके नाप तौल पर जो कर लगाया जाता है, उसी को विशिष्ट कर कहा जाता है। एक एक मीनिंग को आप समझेंगे ना। मूल्यानुसार कर क्या है, तो किसी वस्तु के मूल्य पर लगाने वाला कर मूल्यानुसार कर है। और विशिष्ट कर क्या है, वो किसी वस्तु के यूनिट और उसके जो परिमाण है उस पर जब कर लगता है तो उसे विशिष्ट कर कहते हैं। अगला बात करूं मैं ऐसे करों को प्रतिगामी कर की, देखो अब प्रतिगामी कर किसे कहा जाता है, तो वह कर जिसमें कर की दर कर के आय में वृद्धि के साथ साथ क्रमशः घटता जाता है, उसे ही प्रतिगामी कर कहा जाता है, ठीक है। और इस कर का भार गरीबों पर अधिक पड़ता है, अर्थात जो गरीब वर्ग के लोग होते हैं ना, उन पर इनका जो प्रभाव है ज़्यादा देखने को मिलता है, किसका, प्रतिगामी कर का। तो प्रतिगामी करों के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य तो ये भी है कि उच्च आय पर कुल कर की मात्रा बढ़ती है, अर्थात जब आय बढ़ता है तो कर की मात्रा बढ़ती है, परंतु जब कर की दर कम होती है, देखो आय बढ़ेगी कर की मात्रा बढ़ेगी लेकिन कर की जो दर है वो कम होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अनुपातिक कर क्या होता है उसको समझें। तो देखो अनुपातिक कर उन करों को कहा जाता है जिसमें कर आधार पर परिवर्तन के बाद भी कर की दर अपरिवर्तित, अर्थात कर के आधार परिवर्तन होने के बाद भी
कर की जो दर है अपरिवर्तित रहता है उसे क्या कहा जाता है? अनुपातिक कर कहा जाता है। ठीक है भाई, आगे बढ़ जाते हैं। देखो प्रगतिशील कर क्या होता है, तो प्रगतिशील कर वह कर है जिसमें आय में वृद्धि के साथ कर की दरों में भी वृद्धि होती है और इसे हम कहते हैं प्रगतिशील कर। ठीक है, क्या कहा जाता है भाई? तो प्रगतिशील कर कहा जाता है। अधोगामी कर वह कर है जिसमें आय बढ़ने के साथ पहले तो कर की दर बढ़ती है परंतु एक सीमा के बाद जब कर की जो दर है उनकी स्थिति स्थिर हो जाती है, कर की दर स्थिर हो जाती है तो उसको अधोगामी कर कहा जाता है। ठीक है, भारत में कुछ प्रमुख कर हैं, कर जिसको टैक्स बोला जाता है ना, याद रखना मैंने शुरू में भी इसको कह दिया है। तो भारत में कौन कौन से टैक्स हैं, कौन कौन से कर है जो कि भारत सरकार द्वारा लिया जाता है, तो आइए हम इस पर बात करें। तो सबसे पहले आता है आयकर, इनकम टैक्स। सभी जानते हैं भाई, जैसे बहुत ज़्यादा कमाई हो गया तो आपसे इनकम टैक्स के रूप में गवर्नमेंट कर ले लेता है। तो भारत में आयकर जो है केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है। साथियों याद रखना इस बात को, केंद्र सरकार द्वारा जो आपका पैन कार्ड बनता है ना, पैन कार्ड कहाँ से बनता है? आयकर विभाग नई दिल्ली, अर्थात ये केंद्र से बनता है भाई, नई दिल्ली में है कहाँ है जो भी है ना, लेकिन जो आपका पैन कार्ड है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से बनता है, भारत सरकार से बनता है। और आयकर लगाता कौन है भाई? भारत सरकार लगाता है। तो केंद्र सरकार आयकर से प्राप्त राजस्व को केंद्र और राज्यों के मध्य वित्त आयोग की अनुशंसा में वितरित करता है, अर्थात उनकी जो इनकम है दोनों को लाभ होता है, ये होता है आयकर। ठीक है भाई, समझ में आ गए आयकर क्या है। दूसरा देखो, आयकर के संबंध में एक चीज़ और याद रखना इस बात को, कृषि से प्राप्त आय पर आयकर नहीं लगता, याद रखना भाई इस बात को। यदि आप कृषि कार्य से चाहे कितने लाख भी कमाओ, कृषि कार्य पर जो आय मिलता है उसमें आयकर नहीं लगता। ठीक है, दूसरा कर आता है निगम कर, जिसको कॉरपोरेट टैक्स कहा जाता है। और इस कर को कौन देता है? तो देखो जो निगम कर है तो व्यापारिक कंपनियां, अर्थात जो उद्योग धंधा व्यापार जो चलाते हैं ना, उन्हीं लोगों के द्वारा दिया जाने वाला ये जो कर है निगम कर कहलाता है। अर्थात परिवार व्यापारिक कंपनियों निगमों की आय पर लगाए जाने वाले कर को निगर कर, निगम कर कहा जाता है। ठीक है, अर्थात व्यावसायिक क्षेत्रों में ये कर लगता है, कॉरपोरेट जो टैक्स है। निगम कर को कंपनी लाभ कर भी कहा जाता है, परंतु यह उस कर से भिन्न है जो कंपनियों का अंशदायी अपनी आयों पर देता है। इस कर को भी केंद्र सरकार के द्वारा ही लगाया जाता है। ठीक है, तीसरा कर आता है साथियों व्यय कर, एक्सपेंडिचर टैक्स। यह एक प्रत्यक्ष कर है जो लोगों द्वारा किए गए उपभोग व्यय की धनराशि पर लगाया जाता है। अर्थात आपने कितना धनराशि उपभोग किया है तो उस पर लगाया जाने वाला जो कर है व्यय कर कहलाता है। ठीक है, भारत में व्यय कर लगाने का सुझाव पहली बार 1956 में केंडार ने दिया था, फिर 1 अप्रैल 1957 को व्यय कर अधिनियम पारित किया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चौथा आता है संपदा कर, तो स्टेट ड्यूटी। संपदा शुल्क केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाने वाला एक प्रत्यक्ष कर है। ठीक है, उसके बाद आता है धन कर, वेल्थ टैक्स। तो ये धन कर क्या होता है भाई, इसको भी समझो। तो देखो धन कर एक प्रत्यक्ष कर है। ठीक है, धन कर एक प्रकार का प्रत्यक्ष कर है जिसका आशय किसी व्यक्ति की संपत्ति पूंजी धन के कुल मूल्य पर प्रति वर्ष लगाया जाने वाला कर जो है धन कर कहलाता है। ठीक है, लेकिन इस जो कर को, ठीक है, 1 अप्रैल 2016 से धन कर को पूरी तरीके से
समाप्त कर दिया गया है। ठीक है भाई, चलिए सातवां कर देखो, केंद्रीय उत्पाद कर। क्या है? केंद्रीय उत्पाद कर। तो ये क्या है? उत्पाद शुल्क एक अप्रत्यक्ष कर है जिसे केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है। वित्त आयोग के फार्मूले के आधार पर राज्यों को वितरित किया जाता है। उत्पाद शुल्क एक प्रकार का वस्तु कर है, अर्थात कोई भी हम प्रोडक्शन करते हैं ना, उस पर जो टैक्स लगता है वही क्या कहलाता है भाई? उत्पादन कर कहलाता है या केंद्रीय उत्पाद कर कहलाता है। सीमा शुल्क, सीमा शुल्क एक अप्रत्यक्ष कर है। केंद्र सरकार द्वारा वस्तुओं के आयात या निर्यात पर ये जो कर है लगाया जाता है। भाई कोई भी वस्तु हमको दूसरे जगह निर्यात करना है या लाना है, तब जो लगता है कर उसी को बोलते हैं सीमा शुल्क या कस्टम ड्यूटी। ठीक है, वस्तु एवं सेवा कर का शुभारंभ 1 जुलाई 2017 से शुरू हुआ नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। ठीक है, अब आता है जीएसटी। बहुत ही बार आप सुनते हो हर जगह जीएसटी, मोबाइल में रिचार्ज भी करवाओगे तो भी जीएसटी। तो जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है जिसमें अपने पूर्ववर्ती अधिकांश अप्रत्यक्ष करों को आच्छादित कर लिया है। जीएसटी विनिर्माता से लेकर उपभोक्ता तक वस्तु एवं सेवाओं के आपूर्ति पर एक एकल कर है। इसके तहत प्रत्येक चरण में केवल मूल्यवर्धन पर ही कर लगाया जाता है। ठीक है साथियों, और ये जीएसटी कर कब से शुरू हुआ? तो 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 8 सितंबर 2016 को यह अधिनियमित हुआ और 1 जुलाई 2017 को जीएसटी पूरे देश में लागू हो गया, अर्थात प्रभावी हो गया। ठीक है भाई, यहाँ तक समझ में आ गए टैक्स क्या होता है। टैक्स से जुड़ी हुई पूरी जानकारी मैंने साझा करने का इस वीडियो में प्रयास किया है। जो साथी नए हैं भाई चैनल से बिल्कुल जुड़े रहेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।